Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to create how to check username availability in database. अगर आप कोई registration form बना रहे हो और वहाँ पर अगर आपको ये check करना है कि user का नाम already available है, वो database में already saved तो नहीं है, ये अगर आपको check करना हो तो वो आप कैसे check करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक form बनाया है, उसमें लिया है मैंने दो text box 1 for username and text box 2 for password। और यहाँ पर हमें लेना है एक label, और तो यहाँ से टूल बॉक्स से हम एक लेबल कंट्रोल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और इस लेबल में हम जो भी मैसेज होगा, अगर यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो यहाँ पर हम एक मैसेज शो करेंगे यूज़र के लिए। और यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को करने के दो तरीके हैं, एक है आपका एजेक्स के थ्रू, आप उससे भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ और इस बटन का जो नाम है वो मैं दे देता हूँ चिप। ओके, तो इस तरीके से। और मेरे पास अगर मैं डेटाबेस आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटाबेस जो मैं बना रहा हूँ उसमें है आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, और ये टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ कि टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, टेबल में चलेंगे तो जो हमारा टेबल है उसका नाम है TBL रजिस्ट्रेशन। तो नीचे आएंगे तो ये रहा TBL रजिस्ट्रेशन, और इस तरीके से मैं इसे ओपन करूँगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं एक वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो अभी के लिए एक नाम जो होगा राहुल करके, यूज़र नेम राहुल, पासवर्ड 1234, और एक नाम और यहाँ पर और मैं यहाँ पे दे दूँगा, वो होगा जॉन, पासवर्ड 1234। तो ये दो यूज़र जो हैं अभी के लिए मैंने इसे यहाँ पे इंटर कर लिया है डेटाबेस में। तो हम चलेंगे विजन स्टूडियो में। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो जब भी मैं यहाँ पर कोई नाम इंटर करूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करूँ तो ये नाम अवेलेबल है या नहीं वो हमें यहाँ पे उसका मैसेज हमें मिले। तो उसके लिए हम फिर चलेंगे विजन स्टूडियो पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक बटन पे करेंगे डबल क्लिक, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हम इस बटन पे क्लिक करें तब वो हमें मैसेज शो करें। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए जो नेम स्पेस है डेटाबेस के लिए हम वो यहाँ पे लिंक करेंगे। और जो दूसरा है वो है यूजिंग, यहाँ पर हम यूज करेंगे SQL क्लाइंट। तो इस तरीके से दो नेम स्पेस हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो ये हमारा बटन है चेक बटन, ठीक है, दिस इज द चेक बटन। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि यूज़र जो है अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो SQL कनेक्शन कौन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और यहाँ पर आपको पैरामीटर जो है कनेक्शन स्ट्रिंग आपको वो पास करना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो कोड होता है आप ऐसे फिर से लिख सकते हैं, डेटा सोर्स इक्वल टू आपके डेटाबेस का नाम जो कि है डेल PC, और यहाँ पर आपको लगाना है सेमी कॉलम। आपको यहाँ पे लिखना है इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू आपके डेटाबेस का नाम, तो जो हमारा डेटाबेस है उसका नाम है कोडर। अगर आप यहाँ पर आएंगे SQL सर्वर में तो आप यहाँ पर दे सकते हैं ये मेरा डेटाबेस का नाम है, तो आपको इसका नाम यहाँ पे देना है। इस पर आपको लगाना है यहाँ पे सेमी कॉलम। सेमी कॉलम के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंटीग्रिटी सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। तो ये हो गया आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड। हम नीचे आएंगे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कनेक्शन को पहले तो ओपन करेंगे, तो कॉन डॉट ओपन मेथड, इसके थ्रू हम यहाँ पे कनेक्शन को ओपन कर पाएंगे। आना है तो SQL कमांड CMD is equal to new SQL command। अब SQL command में हमें देना है दो चीज़, पहला तो आपका कनेक्शन हो जाएगा और दूसरा आपकी क्वेरी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि यूज़र नेम जो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने यूज़र नेम यहाँ पे जो इंटर किया हुआ है वो डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए हम जो हमारी जो क्वेरी होगी, हमारी क्वेरी क्या होगी, वो होगी कि सेलेक्ट करना है हमें, तो सेलेक्ट करना है स्टार फ्रॉम टेबल का नाम आपके ये है TBL रजिस्ट्रेशन, और क्या सेलेक्ट करना है, वेयर जो हमारा यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम इज इक्वल टू हमें पैरामीटर बनाएंगे @ यूज़र नेम। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बना दिया। तो ये होगी हमारी यहाँ पे क्वेरी, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हमारा एक तरीका ये भी है, इसे थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देते हैं।
ओके एक तरीका ये है कि SQL कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू और इट्स CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड आपको ये लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है, आपको लिखना है CMD डॉट, हम पैरामीटर बनाने वाले हैं तो CMD डॉट यहाँ पे लिखना है आपको कमांड टेक्स्ट। तो कमांड टेक्स्ट क्या है, तो कमांड टेक्स्ट में आपको जो भी आपकी क्वेरी है, आपको ये जो क्वेरी आप देख रहे हैं उस क्वेरी को आप कॉपी करो, सेम यही क्वेरी, और इस क्वेरी को आप यहाँ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो CMD का जो यहाँ पे आपने दिखा दिया जो कमांड है हमारा, जो टेक्स्ट है, कमांड टेक्स्ट है, वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब कमांड टेक्स्ट के बाद अब बारी आती है यहाँ पे आपको पैरामीटर ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे CMD डॉट तो आपका पैरामीटर का नाम, तो क्या लिखेंगे हम पैरामीटर, पैरामीटर क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऐड विथ वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आपको इसमें दो चीज़ें आप देना है। सबसे पहले आपको देना है पैरामीटर का नाम, तो पैरामीटर का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, जो पैरामीटर का नाम आपने यहाँ पे दिया है तो सेम पैरामीटर का नाम आगे हमें कॉपी करेंगे, ये किया कॉपी और यहाँ पे हमने दे दिया पैरामीटर का नाम। अब यहाँ पे पैरामीटर का नाम हो गया, अब यहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा। अब ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, टेक्स्ट बॉक्स वन से आ रही है, तो यहाँ पे आपको उस कंट्रोल का नाम देना है जहाँ स्टोर हो जाए, फिर यहाँ पर आपको लगाना है सेमी कॉलम इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पैरामीटर को यहाँ पे बना लिया, फिर हम यहाँ पर यह लिखेंगे CMD डॉट, अब इसे हम कनेक्शन को भी पास करेंगे यहाँ पे, तो आपको देना है कनेक्शन। कनेक्शन क्या है आपका, कनेक्शन इज इक्वल टू ये है आपका कॉन, तो CMD डॉट कनेक्शन भी यहाँ पर हो गया। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है SQL, हमें डेटा रीडर का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो बनाया मैंने DR इज इक्वल टू डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो क्वेरी है ये क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट रीड, ये मेथड हम यूज़ करेंगे और लगाएंगे, हम लगाते हैं यहाँ पे इफ़ जो आपका जो DR ऑब्जेक्ट है डॉट हैज़ रो, यानी कि अगर वो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो यहाँ पे हैज़ रो जो है, तो ये पूरा कंडीशन क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। कब रिटर्न करेगा, जब डेटाबेस में वैल्यू होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू होगा तो हमारे पास जो लेबल है आप देख सकते हैं, मैंने लिया एक लेबल वन, तो इस लेबल में हम एक मैसेज शो करेंगे यहाँ पे, तो हम दे देते हैं लेबल वन, यहाँ पे क्या करना है जो लेबल वन है, लेबल वन डॉट इसका जो फॉर कलर होगा, फॉर कलर इज इक्वल टू ये हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट ड्रॉविंग डॉट कलर, और अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एल्स पार्ट में चलेंगे इसके, और यहाँ पे आपको फिर से सेम यही आपको कॉपी कर लेना है इसको, ये किया मैंने कॉपी और यहाँ पर आपको इसे कर देना है पेस्ट, यहाँ पर आपको लगाना है सेमी कॉलम, गुड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे यूज़र नेम अवेलेबल, और यहाँ पे जो उसका कलर है आप कलर को क्या करोगे ग्रीन कर दोगे डॉट, आपको यहाँ पे सॉरी ग्रीन इस तरीके से, और आप इसे यहाँ पे ओके। तो इल्स के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो कनेक्शन है डेटाबेस का उसे भी हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज, तो कनेक्शन भी हमारे यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। तो इस पेज को यहाँ पे रन करेंगे तो विन ब्राउजर में चलो, यहाँ पे नेम जो है एक जॉन और दूसरा राहुल, तो ये इंटर किया हुआ है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे राहुल को फिर से यहाँ पे इंटर करेंगे, तो ये मैंने इंटर किया राहुल, ओके तो राहुल को मैंने इंटर कर दिया। अब जैसे मैं इस चेक बटन पे क्लिक करूँगा तो कह रहा है कि यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, ये नेम अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये नेम ऑलरेडी आपने इसे यूज़ कर रखा है, पर अगर इसका मैं नाम यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा राहुल कुमार ऐसा कर दिया, अब देखते हैं, अब ये कह रहा है यूज़र नेम अवेलेबल, ये नाम आपका अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड और एक अनदर आपका यहाँ पे ईमेल के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि एक अनदर टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया है ईमेल के लिए। तो अब हम चलेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस में यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना है मॉडिफिकेशन ये करना है कि डिज़ाइन पे चलेंगे ओके। तो यहाँ पर हमें एक और फील्ड यहाँ पे इंटर करना है जो कि होगा आपका ईमेल, और ये हो जाएगा इन वेब केयर, ठीक है इस तरीके से, और इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, यस
तो अब हमारे डेटाबेस में एक अनदर यहाँ पे फील्ड आपको देखने को मिलेगी। इसे मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये हमारा टेबल है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पे जो ईमेल है इनका भी ईमेल मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, gmail.com। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटाबेस में कुछ वैल्यू यहाँ पे इंटर कर दिया है। और अब हम चलते हैं अपने यूजर स्टूडियो में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि अभी तो अगर आपने देखा था तो अभी तो मैं सिर्फ यूज़र नेम चेक कर रहा था बटन के क्लिक पे, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूज़र नेम के साथ साथ मैं यहाँ पे ईमेल भी चेक कर रहा हूँ। ठीक, तो यूज़र नेम के साथ साथ मुझे यहाँ पे ईमेल भी चेक करना है। तो अब मुझे आपको बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो अभी क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो सारा कोड यहाँ सेम रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, और यहाँ पर आपको लगाना है एंड, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, ओके, तो एंड नहीं लगाएंगे। एंड के केस में क्या होगा, जब तक दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम और ईमेल जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तब तक वो आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई भी अगर अवेलेबल हो तो यहाँ पे वो आपको एक मैसेज दे। तो ईमेल इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐट द रेट ये हम कर देते हैं इसे ईमेल। इस तरीके से हमने पैरामीटर बना लिया। अब कि अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये जो आप कोड देख रहे हो इसे, ये तो यूज़र नेम के लिए हो गया। अब इसी को हम एक बार और यहाँ पे टेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स 3 से आ रहा है आपका ईमेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ईमेल। तो ये आपका यहाँ पे हो गया ईमेल। अब इसे आप कर लोगे सेव। ठीक, ये हमने कर लिया सेव। यहाँ पे यूज़र नेम एंड ईमेल इस तरीके से, ओके, तो सेव कर लिया। अब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसे हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जो हमारा है वो है कोडर। अब पासवर्ड दे देते हैं 123, कोई भी पासवर्ड, पासवर्ड से मतलब नहीं है। अब चलते हैं हम अपने ईमेल की तरफ, तो यहाँ पे लिखते हैं कोडर एट द रेट जीमेल, ये हमने लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे मैं चेक बटन पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि यूज़र नेम और ईमेल नॉट अवेलेबल। ये क्या है, ऑलरेडी क्योंकि टेकन है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको टेबल दिखाऊँ तो टेबल में ये वैल्यू ऑलरेडी सेव है। तो दिस वन यूज़र नेम और सेम ईमेल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम यूज़र नेम और सेम ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे भी सेम है, तो कह रहा है ये नॉट अवेलेबल। बट अगर यहाँ पे मैं नेम में थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, यूज़र नेम कोडर 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे मैं चेक पे क्लिक करूँगा तो इस बार क्या कह रहा है, इस बार फिर से कह रहा है कि यूज़र नेम एंड ईमेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़र नेम तो आपने चेंज कर दिया बट जो ईमेल है ये आपने चेंज नहीं किया, इस वजह से आपको फिर से यही मैसेज दे रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे ईमेल में भी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, तो इसे आपको यहाँ पे करना है, ओके, अब क्या होगा, जैसे आप चेक पे क्लिक करोगे तो ये कह रहा है अब जो आपने यूज़र नेम ईमेल आपने इंटर किया हुआ है वह क्या है, वो अवेलेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेजेप्स के थ्रू आप कैसे इसे विदाउट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप वैल्यू इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये नेम जो है ऑलरेडी यूज है या नहीं, यूज में है या नहीं। तो इसके लिए हम पेजेप्स का यूज़ करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।